हर हर महादेव। पटना बिहार से सुमित वशिष्ठ हैं, इनका प्रश्न है कि दत्तक पुत्र के द्विज के लिए क्या नियम है, अर्थात दत्तक पुत्र ग्रहण करने में द्विजों को क्या नियम बरतना चाहिए, किसका पुत्र लेना चाहिए, किसका नहीं लेना चाहिए, किस गोत्र में लेना चाहिए, समान गोत्र के कुल में नहीं भेजा गया तो उसका कौन सा गोत्र होगा, अगर विभिन्न भिन्न पहले कोई दूसरे कुल में है फिर दूसरे कुल में गया है तो उसका गोत्र कौन सा माना जाएगा, इस विषय में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ महाराज मनु ने 12 पुत्रों को पुत्र संज्ञा दी है। यहाँ हम कलयुग में 2 पुत्रों की ही मान्यता है, इसलिए उन्हीं की चर्चा करेंगे। इसमें एक औरस पुत्र जो अपने धर्मपत्नी में अपने वीर के द्वारा विधिपूर्वक उत्पन्न होता है उसे औरस पुत्र कहते हैं, और दूसरा विधिपूर्वक ग्रहण किया गया जो पुत्र है उसे दत्तक पुत्र कहते हैं, तो वो दत्तक पुत्र कहलाया। और क्रय पुत्र, कीरीत पुत्र, कुंड पुत्र, गोलक पुत्र, क्षेत्रज पुत्र ये इत्यादि होते हैं, उनकी चर्चा कभी फिर करेंगे। तो दत्तक पुत्र ये और औरस पुत्र 2 ही कलयुग में मान्य हैं। हमारे यहाँ संविधान में भी दत्तक पुत्र भी, जिसको कोई गोद लेना कहते हैं, गोद ले लेता है तो वो पुत्र फिर उसी का माना जाता है, और वो उसके दाय का यानी उसकी संपत्ति का वो अधिकारी भी होता है, और उसे अपने जिसने ग्रहण किया है उसको पिता समझ करके और उसके संस्कार आदि सब कृत्य करने का भी अधिकार है। तो दत्तक किसको दत्तक बनावे इसकी विधि देखिए। धर्म सिंधु में अथ दत्तके ग्राह्या ग्राह्य विचार, दत्तक ग्रहण करने में ग्राह्य और अग्राह्य विचारों को देते हैं। देखिए कि ब्राह्मणानां सोदर भ्रातृ पुत्रो मुख्यत्वात् प्रथमं ग्राह्य, बोले ब्राह्मणों के लिए अपने ही भाई के पुत्र को सर्वप्रथम दत्तक के रूप में लेना चाहिए। एक बात और बता दें बीच में, आजकल लोग जो दत्तक ले रहे हैं तो वो दत्तक क्या ले रहे हैं, अपने भाई का या अपने कुल का पुत्र नहीं ले रहे हैं, वो ले रहे हैं ससुराल से साले का पुत्र। ऐसा कई लोग कर चुके हैं, क्योंकि उनकी श्रीमती जी का झुकाव अपने भाइयों की तरफ होता है कि हमारे धन के संपत्ति जो भी है ये हमारे भाइयों की तरफ चला जाए, तो वो साले का पुत्र साहब लोग ले रहे हैं दत्तक के रूप में, जिसका कहीं कोई विधान ही नहीं मिलता, कहीं लिखा ही नहीं है, पर हो रहा है। ये देखिए शास्त्रों में क्या होना चाहिए वो देखिए, कि अपने भाई के पुत्र को सर्वप्रथम दत्तक के रूप में बनाए, और तदभावे स गोत्र स पिंडयो, पिंडो यह कश्चित, ठीक है, यदि कोई वो न मिले, अपने भाई के ही पुत्र ना हो या किसी को भाई ना हो या वो नहीं दे रहा हो, तदभावे सगोत्र और सपिंडो यह कश्चित सापत्न भ्रातृ पुत्रो वा, बोले अपने ही गोत्र में हो और सापिंड हो माने 7 पीढ़ी के अंतर्गत आता हो तो, और अपना ही गोत्र है तो उसको ले वे, और वो भी न मिले तब लिखा हुआ है सापत्न भ्रातृ पुत्रो वा माने अपने ही है ना पिता के दूसरे माता में, जैसे फिर किसी के 2 विवाह हुए हैं तो किसी के पिता के, तो दूसरे विवाह दूसरी माता का जो पुत्र है यानी जो भाई है उसका पुत्र ले वे, और तदभावे तू वो भी न मिले तो अस गोत्र सपिंडो मातुल कुलजा, बोले गोत्र बदल जाएगा लेकिन सापिंड रहेगा, मामा मामा का जो गोत्र होता है नाना का तो वो गोत्र तो अलग होता है उनका, लेकिन वे सापिंड कहे जाते हैं, तो अर्थात नाना के कुल का मामा के कुल का कोई भी पुत्र ले ले वे। पितृ स्वसरादि कुलजा अथवा पिता की बहन के कुल का कोई हो उसको ले वे,
वो भी ना मिला तदभावे तु असपिंड समान गोत्र, वो भी न मिले तो अपने ही भले ही सात पीढ़ी तक न मिले तो और आगे की ले ले वे, इधर उधर से ले ले वे, पर अपने ही गोत्र का हो, असपिंडा समान गोत्र उसको ले वे। और तदभावे तू उस वो भी नहीं मिले तो कहते हैं सपिंडा पृथक गोत्रोपी, है ना, असपिंडा पृथक गोत्रोपी, भले ही अपने गोत्र में न हो सात पीढ़ी तक भी नहीं हो तो दूसरे गोत्र से भी ले लेना चाहिए, परंतु अपने ही वर्ण का होना चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मण ले हुए, क्षत्रिय क्षत्रिय ले हुए, वैश्य वैश्य ले हुए, है ना, और शूद्र शूद्र ले हुए। असगोत्र सपिंडेशु, यदि असगोत्र है और सपिंड है, मामा आदि की बात बताई थी उसमें भी, अब मना कर रहे हैं इनको नहीं ले हुए कभी भी, कि असगोत्र सपिंडेशु भागने दौहित्रौ वर्ज्यौ, भागने माने भांजा, भांजे को ब्राह्मण को जो है दत्तक रूप में नहीं लेना चाहिए, मना कर रहा है। और दौहित्र माने बेटी के बेटे को भी नहीं लेना चाहिए, ये देखो लिखा हुआ है भागने दौहित्रौ वर्ज्यौ छोड़ देवे, एवं विरुद्ध संबंधा पत्या पुत्र बुद्धि अनर हो मातलोपिन ग्राह्या, इसी प्रकार विरुद्ध संबंध वाले जो हैं उनको, जो पुत्र बुद्धि जिनमें नहीं हो सकती, ऐसे मामा आदि को भी न लेवे, समझ गए ना, जो मतलब वो पुत्र नहीं लगता हो, अपना कोई ज्येष्ठ श्रेष्ठ लगता हो तो उसको भी दत्तक रूप में नहीं लिया जा सकता। अतएव सगोत्र सपिंडेशु भ्राता पितृभ्यो वान ग्राह्य, अतएव सगोत्र सपिंडेशु, अपना ही गोत्र है अपना ही सपिंड है, लेकिन इसमें भी कोई भाई है भ्राता, भाई लगता है अपने ही सपिंडों में, तो वो भाई को पुत्र रूप में नहीं लिया जा सकता, अपने ही गोत्र में अपने ही सात पीढ़ियों के अंतर्गत आता है, लेकिन वो पितृव्य चाचा लगता है तो न ग्राहिया उसको भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। विप्रादि नाम वर्णा नाम समान वर्ण एव, ब्राह्मण वर्ण आदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि कोई भी लेवे अपने ही वर्ण का लेवे, भले ही गोत्र बदल जाए, कोशिश तो करे यही अपने सन्निकृष्ट का लिया जाए, पुत्र पुत्रवत जो हो उसको लिया जाए, और न मिलने पर भी अपने वर्ण का त्याग, ब्राह्मण क्षत्रिय के क्षत्रिय वैश्य के ऐसे नहीं लिया जाएगा, केवल वो ही लिया जाएगा। विप्रादि नाम वर्णा नाम समान वर्ण एव, तत्रापि देश भेद युक्त गुर्जरत्वान्धत्वादि ना समान वर्जनीय एव, सर्वोपि सब रात्रिक एव ग्राह्य, तत्रापि ज्येष्ठ पुत्रो न ग्राह्यो न देयः। आगे लिखते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र को न तो दत्तक के रूप में कोई देवे और न ही किसी का ज्येष्ठ पुत्र दत्तक के रूप में लेवे, ज्येष्ठ है ना, तत्रापि ज्येष्ठ पुत्रे न पुत्रो न ग्राह्यो न देयः। और अब एक बात और कह रहे हैं, शूद्रस्य दौहित्र भागिनेयौ अपि ग्राह्यौ, शूद्रों के लिए भांजा जो है वे दत्तक के रूप में ले सकते हैं, बेटी का बेटा भी वे दत्तक के रूप में ले सकते हैं। और बतलाया गया है कि अगर एक पिता के कई पुत्र हैं और उनमें से किसी एक पुत्र के यदि संतान हो जाती है तो बाकी के पुत्रों के भले ही कोई पुत्र नहीं है लेकिन अपने भाई के पुत्र के कारण वे सभी पुत्रवान ही माने जाएंगे, ऐसा भगवान मनु का जो है सिद्धांत है। भ्रातृणाम एक जातानाम एकश्चेत् पुत्रवान भवेत् सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रेणो मनुरब्रवीत्, ये जो है भगवान मनु की आज्ञा है। इस प्रकार पुत्र के लिए जो है दत्तक पुत्र का ग्रहण करने का विधान बतलाया गया है। और भी देखिए,
हर वेद की शाखा वाले के लिए अलग अलग तरीके से दत्तक पुत्र लेने का विधान है। ऐसा नहीं है किसी का पुत्र ले आए और अपने घर पे रखने लगे, आजकल गोद ले लेते हैं। वो आपकी नजर में पुत्र हो गया, लेकिन शास्त्र की नजर में वो पुत्र नहीं है। शास्त्र के विधान के अनुसार संकल्प पूर्वक, विधि पूर्वक, हवन पूर्वक ये पुत्र ग्रहण किया जाता, अपनी शाखा पूर्वक। ऋग्वेदी लोग कैसे दत्तक पुत्र ग्रहण करें, यजुर्वेदी कैसे करें, बहुधायन कैसे करें, हिरण्यकेशी कैसे करें, कार्तीय कैसे करें, इस तरीके के सबके लिए अलग अलग है पुत्रों का ग्रहण करने का। वाजस्नेहियों के लिए अलग है, सबके लिए पुत्र ग्रहण करने का अलग अलग विधान है। अब कह रहे हैं देखिए कि भाई दत्तक का गोत्र कौन सा होगा, इस पर और विचार करें थोड़ा। पर गोत्रोत्पन्न दत्तकस्योपनयन मात्रे पालक गोत्रेण कृते उपनयनोत्तरम प्रतिग्रहे वा दत्तकेन अभिवादन श्राद्धादि कर्म सुगोत्र द्वयोच्चार कार्य। देखिए यदि जो किसी ने दत्तक लिया है तो वो बड़ा बेटा हो गया है, अर्थात जो है उम्र उसकी ज्यादा हो गई है, उसका उपनयन भी हो गया है, और तब किसी ने जो दत्तक रूप में लिया, जनेऊ हो गया उसका और फिर दत्तक लिया, तो उसका गोत्र वही रहेगा जो उसके जनक पिता का है, अर्थात जन्म देने वाले पिता का जो गोत्र है वही गोत्र उसका रहेगा। और अब कह रहे चूड़ाद संस्कारे पालकेन कृते, और चूड़ा इत्यादि जो पहले ही ले आया है, और चौल संस्कार यज्ञोपवीत आदि संस्कार उसने किए, जो ले गया है पालक पिता है, जनक पिता और पालक पिता कैसे समझ सकते हैं, जनक माने जन्म देने वाला और पालक माने पालन करने वाला जिसने दत्तक रूप में ग्रहण किया है, और उसी ने चूड़ाकरण और उपनयन आदि किया है, तो पालकेन कुरिया तो कहते हैं कि पालकैक गोत्र एव, तो उसका एक ही गोत्र होगा पालक गोत्र। ध्यान देना कि यदि संस्कार वहां होकर के आया है पहले ही, तो वो दोनों ही गोत्रोच्चारण करेगा, श्राद्ध में, अभिवादन में, पूजन में, तो वो लिखा हुआ है गोत्र द्वयोच्चार कार्य, दोनों गोत्रों का उच्चारण करेगा। यदि संस्कार इसके यहां हुआ है बाद वाले के यहां उपनयन और चूड़ाकरण आदि खास रूप से, तो वो उसका एक ही गोत्र रहेगा बाद वाला। लेकिन परंतु चाहे कितनी भी छोटी अवस्था में पुत्र ग्रहण कर लिया गया है और वो उसका विवाह जो होगा उसमें तो दोनों ही गोत्रों की कन्या को छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब उसका ये गोत्र हो गया तो पहले गोत्र वाली कन्या से उसका विवाह हो सकता है, नहीं। कि विवाहेतु सर्वदत्तकेन जनक पालकयोर उभयोरपि पितरोर गोत्र प्रवर संबंधिनी कन्या वर्जनीया। देखिए वो तो छोड़ देना ही चाहिए। बोले नात्र साप्त पुरुषम पांच पुरुष मित्येवम पुरुष नियम उपलब्ध्यते। यहाँ होता है कि ये विवाह इत्यादि में सात पीढ़ी तक सापिंड छोड़ा जाता है, तो दत्तक पुत्र के लिए जो अब पांच पीढ़ी तक की बात छोड़ने के लिए कही गई है। आगे कहते हैं देखिए दत्तकस्य पुत्रस्य दत्तकस्य पुत्र पौत्रादेर जन्म मरणयो सापिंडाना मेका। दत्तक का पुत्र और पौत्र इत्यादि जन्म होता है तो पिंडों के लिए एक दिन का आसौच लिखा हुआ है, एक दिन का आसौच लगेगा बस। और सगोत्र सपिंडे दत्ती कृते तु सर्वेशाम दशरात्रम एव। देखिए दोनों ही प्रकार के माता और पिता के मरने में दत्तक ने तीन दिन का अशौच पालन करना चाहिए,
जो दत्तक गया है उसके कोई भी माँ कुल का माता पिता मरता है जन्म वाला या पालन पन करने वाला, उसको 3 दिन का असौच लगता है। 7 पीढ़ी वालों के मरने में दत्तक को 1 दिन का ही असौच लगेगा। माता पिता की उत्तर क्रिया करनी होवे तो कर्म विषयक असौच 10 दिन पर्यंत ही पालना। अगर उसने ही माता पिता की क्रिया की है पूर्व वाले की या बाद वाले की तो उसको फिर 10 दिन का असौच लगेगा ही। दत्तक अर्थात गोद लिए पुत्र के पुत्र और पौत्र आज के जन्म और मरण में 7 पीढ़ी वालों ने 1 दिन असौच पालन करना। ये बात हो ही गई थी। अपने गोत्र में जन्मा होवे और 7 पीढ़ी के भीतर होवे ऐसे गोद लिए पुत्र के मरने में सबों ने 10 रात्रि असौच पालन करना। 7 पीढ़ी के भीतर होवे तो, और पत्नी और पुत्री आदि के होने में भी दत्तक पुत्र ही धन को लेना चाहिए। अगर किसी ने दत्तक पुत्र ले लिया और उसके पुत्री है लेकिन पुत्र तो यही दत्तक लिया है और पत्नी है, अब वो कहे कि नहीं नहीं हम जो अजब पत्नी है भी चली जाएगी, ये पुत्री को मिलेगा या उसको ना, और किसको नहीं, वो दत्तक पुत्र है उसको ही दाय का अधिकार है। पत्नी दुहित्राज सत्वेपि दत्तक एव पितृ धन भागी भवति। पत्नी और पुत्री के रहने पर भी दत्तक ही पिता की संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। दत्तक ग्रहणोत्तर, देखिए अगर किसी ने दत्तक पुत्र ले लिया और अब उसको भी पुत्र हो गया भगवत इच्छा से तो अब क्या होगा, तो देखिए अब शास्त्र का निर्णय देखिए कि दत्तक ग्रहणोत्तरम औरसे जाते दत्तकस चतुर्थांश भागी न संभागी। ये बात आई कि अगर उसको दत्तक पुत्र के बाद में खुद का पुत्र हो जाता है तो दत्तक को 1/4 हिस्सा ही देगा और 3 हिस्सा अपने पुत्र को देगा, बराबर के हिस्सेदार नहीं होंगे। दत्तक ग्रहणोत्तरम और से जाते दत्तकस चतुर्थांश भागी न समम भागी। और इसमें विकल्प भी है कि चित्तु प्रतिग्राही प्रतिग्रहित्रा जाता द्युपनयनांत संस्कारे विधाने चक्रते औरस समानांश भागित्वम। किसी का ये कहते हैं कि भाई वो सब संस्कार इत्यादि उसने किए हो तो समान भाग भी दोनों पुत्रों को दे देना चाहिए। संस्कार मात्र करने विधाना भावे विवाह मात्र लाभ हो न अन्य धन लाभा। बोले विवाह इत्यादि कर देवे और धन, इसमें विकल्प हैं अपने अपने स्थान देशाचार के अनुसार। फिर कौन किसका संस्कार करे इत्यादि करे, यहाँ बहुत विवरण है, लगभग बहुत विवरण है, ये तो पढ़ना चाहिए और पद्धति के अनुसार करवाना चाहिए। मुख्य बात यही है कि उसका गोत्र कहीं कहीं दोनों गोत्र होंगे और अगर संस्कार यहीं आके किए छोटी अवस्था में ले आया है तो उसका एक ही गोत्र होगा, लेकिन मुख्य जगह पर विवाह इत्यादि में वो सभी गोत्रों का दोनों गोत्रों का पालन करना चाहिए, उसके 2 गोत्र हो जाते हैं। और फिर ये 2 गोत्र की परंपरा आगे भी चलेगी। यदि किसी के संस्कार होने के बाद किसी ने पुत्र लिया है और उसको दत्तक माना और अपनी संपत्ति भी दी, अब उस दत्तक के जो पुत्र आगे चलेंगे तो उन सबके भी 2 गोत्र होंगे, ऐसा निर्णय सिंधु आदि में भी लिखा हुआ है। हर हर महादेव।